मैंने पाकिस्तान से मियाँ बीवी आए, रात को लेट गए, मैंने अहराम उतार दिया, बीवी ने सिर्फ जो स्कार्फ बांधा हुआ था वो उतारा, कपड़े नहीं बदले, उस पर तो कोई दम नहीं है, तुम पर दम है। औरत का तो एहराम होता ही नहीं है ना, वो दुपट्टा उतार दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तवाफ के दौरान अगर चक्कर भूल जाए तो हम क्या करें, मौलवी मक्की से पूछे, मैं क्या करूं, कोशिश करो याद करने की। तवाफ अलविदा वाजिब नहीं है। मैंने इंश्योरेंस कार्ड से दो ऐनक नज़र की बनवाई है, लेकिन ऐनक वाले ने जितनी मेरे कार्ड की लिमिट थी उतने का फातुरा बना दिया था, तो इससे दो ऐनक बन गई, कुछ पैसे भी बच गए, ऐनक इस्तेमाल करता हूँ। मेरा भाई सवाल ये है कि इंश्योरेंस कार्ड जो है, मैं तो इंश्योरेंस को जायज़ ही नहीं समझता, एक है मजबूरी, जैसे अब यहाँ गरीब लोग हैं मजबूर हैं कि इंश्योरेंस कराएं गाड़ी की, बंदा खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो कौन दिया अदा करेगा, या बाद मुल्क ऐसे हैं कि आप इंश्योरेंस के बगैर जा ही नहीं सकते, एयरपोर्ट पर भी आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, वहाँ तो ठीक है वरना तो नहीं करानी चाहिए। उतना पैसे खैरात कर देना ताकि इत्मीनान रहे। अल्लाह सबको दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाए। एक काम के पीछे लगा हुआ हूँ, अगर हक है तो अल्लाह आपकी मदद फरमाए। मैंने सफा मरवा के तीन चक्कर ऊपर वाली मंजिल में काटे, वहां कोई नहीं था, बाकी चक्कर नीचे काटे, ठीक हो गया। हजरत अली मक्के में पैदा हुए थे, मेरे जो पाकिस्तान में दोस्त हैं नमाज नहीं पढ़ते, बहरहाल कोशिश करो उनको नमाजी बनाने की, अगर बिल्कुल वो ढीठ बन जाए ना फिर ताल्लुक छोड़ दो, क्योंकि बाद अम्मा के नज़दीक नमाज छोड़ना कुफर है, काफिर हो जाता है। करोड़ पक्का में फकीर ने खानकाह बनाई है, दुआ करें अल्लाह इखलास अता फरमाए। बिल्कुल जी अल्लाह इखलास अता फरमाए। मदीने मुनव्वरा से एक उमरा हमने कर लिया है, अब तवाफ अफजल है या मस्जिद आयशा से उमरा, तवाफ अफजल। छः साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं हुई, अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, पहले अपना टेस्ट तो कराओ, पता है तुम ही औलाद के काबिल ना हो तो फिर किसी और की लड़की को क्यों जुल्म करते हो, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि बीवी में नुकसान, नुकस तुम में हो, ये तो अल्लाह ने जरासीम रखे हैं वाई और एक्स, अगर किसी के अंदर वो जरसुमा नहीं होगा तो अमल नहीं होगा, पहले अपना टेस्ट कराओ हजरत, दूसरी शादी बाद में करना। जिंदा के लिए तवाफ नहीं, उनके तवाफ करके दुआ करें। मेरी बेटियां जवान हैं, सूरत रहमान तीन दफा रोज पढ़ के दुआ करें, अल्लाह पाक अच्छा रिश्ता देंगे इंशाअल्लाह। उमरे के लिए आया, तवाफ के बाद दो रकात नफिल नहीं पढ़े, साई के बाद पढ़े, कोई हर्ज नहीं। अगर किसी अमल के चार दर्जे फजीलत है, मुझे तीन का पता है, अल्लाह तो सारे देगा ना, अल्लाह को सबका पता है, बहरहाल कहते हैं कि दो शहरों का दरमियानी फासला 65 किलोमीटर है, बस घूम के जाती है तो 75 किलोमीटर, फिर भी मुसाफिर नहीं बनते, 78 किलोमीटर होना चाहिए, असल तो फाल वो देखना पड़ेगा, अब बसें चक्कर लगाती रहें तो वो तो नहीं गिनेंगे ना। मुकब्बिर की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ आवाज़ ना पहुँचे, मेरे भाई अगर इमाम का स्पीकर ख़राब हो जाए फिर क्या करेंगे, एहतियात है,
ताकि लाखों लोगों की नमाज खराब ना हो। हजूर के जमाने में स्पीकर था ही नहीं, मुकब्बिर ही होते थे। हमें इमाम की इक्तदा करनी है, मुकब्बिर की नहीं, वो तो एहतियात के लिए है। किसी का वास्ता ना दें, दुआ अल्लाह से मांगें और दरूद शरीफ पढ़ें, हमद व सना करें, फिर गिड़गिड़ा के आजजी के साथ अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बनाएं। मकतू अल्लहिया के पीछे नमाज न पढ़ें, दाढ़ी वाजिब है। मुंडाने वाला जो है गुनाह है कबीरा का मुर्तकिब होके फासिक फाजिर हो जाता। एक औरत बगैर महरम के उम्रे पे आई है, बस अल्लाह कबूल करे वरना शरीयत पे उम्रा नहीं होता, बगैर महरम सफर जायज ही नहीं। हल्क नहीं करवाया, इनाम खोल के कपड़े पहन लिए, हल्क भी करवाओ और दम भी दो। जब तक हल्क नहीं कराओगे तो एहराम में हो। हल किए बगैर एक मुश से जायद दाढ़ी के बाल काट दिए, दम बढ़ गई। देवबंदियों में भी हयाती ममाती का चक्कर है, कोई तो ये तुम्हारी सब तुम्हारा चक्कर है, उनका कोई चक्कर नहीं। असल में तुम चक्कर में हो ना, सारी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। तुम अगर खड़े हो तो कोई भी घूम। ये मसाइल में इख्तलाफ होता है। अब इमाम हनीफा के शागिर्द हैं इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद, वो अपने इमाम से भी इख्तलाफ कर लेते हैं, इसमें क्या है? इख्तलाफ जो है मसाइल में, इख्तलाफ हो और फिरका बंदी ना हो, तफरीका ना हो। इख्तलाफ तो सहाबा में भी है। अब देखें, बीबी आयशा मुर्दों के सुनने की कायल नहीं है, बाकी सहाबा कायल। बीबी आयशा हुजूर के अल्लाह की ज़ियारत की कायल नहीं है, बाकी सहाबा कायल है। ठीक है, इख्तलाफ होता है। मैं उमरे के लिए आया, एक उमरा कर लिया, दूसरे उमरा करने के लिए अहराम बांधा, रात को सोने के लिए चला गया, सिला हुआ कपड़ा बदन पर ले लिया, कुछ नहीं होता। अगर एक औरत को अय्याम हैज हैं, वो अंदर नहीं आ सकती, बाहर मैदान में किसी दरवाजे के सामने बैठ के काबे शरीफ को देख सकती, कल मेरी बेटी हुई है, नाम तजवीज़ फरमा दीजिए। मेरा भाई, असल में याद रखो, कोशिश ये किया करो कि वो नाम रखो जो हजूर की बेटियों के हैं, जैसे बीबी ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है, बीबी फातिमा है, हजूर की बीवियों के नाम है, सैयदा हफ्सा है, सैयदा आयशा है, मैमूना है, सौदा है, मारिया किबतिया है, वो नाम रख, कोई नाम रख लो। अल्लाह।